ओम शांति। मुरली का तारीख है 4/6/2021। बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे शुभाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शुभाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उसका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं कुत्तों तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। गीत दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मरुजीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। या तो बच्चे जानते हैं श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान वाच्य गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शुभाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुखवंशावली। शुभाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख, बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। या तो सब बच्चे हैं, शुभाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे जो कुछ करेंगे, राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि या करो, तुम्हारा कनेक्शन ही शुभाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शुभाबा तो है निराकार, उनका यहाँ घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शुभाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हुबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुहे सुनाते रहते हैं, नया कोई या समझ ना सके। बल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है, पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वहां फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यहाँ वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए,
परंतु नहीं जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर यहाँ दब जाएंगे। फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर यहाँ जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शुबाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तो बच्चे कहते हो, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वरार्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वरार्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा वहां बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब तो तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शुबाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर वन ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसी का काना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शुबाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे देते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब कुछ देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शुबाबा से है। या बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता रूप में पहला पुर वहां पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। दो मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने एक रुपए भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास, गरीब का एक रुपए तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर वन देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर वन चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम तोड़े ही हैं, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, कहां या बच्चा चढ़ जाए मुरली पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना, फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रदान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं।
क्योंकि पवित्र है ना बालक, ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है, तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं, फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप पैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की तोड़े ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसे बनाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ, बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात, शुबाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बिचारे मूंछ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। यहाँ बाप की महिमा है, बाप कहते हैं। यहाँ भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता वहां एक है। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रदान बनना ही है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता हूं, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सावरंटी का 7 ईयर देते हैं, तो वहां लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही, दिव्य दृष्टि दाता शुबाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे, तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। यह सब शुबाबा करते हैं, इनके द्वारा करण करावनहार है, निराकार निरहंकारी वह है, गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वहां सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया, अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते। यहाँ ड्रामा बना हुआ है, भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूं, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यहाँ बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यहाँ पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, या उन विचारों का ब्रह्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसीलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्णय स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति।